बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सरकार द्वारा कैबिनेट से पास कराए गए 5 साल के विजन डॉक्यूमेंट को ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और उन्हें बताए इस बात को लेकर बधाई भी दी। कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम नीतीश कुमार के बयान पर संजय जायसवाल ने कहा कि इस मुद्दे को सभी एनडीए के घटक दल मिल बैठकर सुलझा लेंगे। संजय जायसवाल ने बंगाल चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ इस बार बनेगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में अराजकता फैला रही है, वही गुंडों का राज हो गया है। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर चुटकी लेते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सच में तेजस्वी यादव सिर्फ चुनाव के समय ही बाहर निकलते हैं। मैं माननीय नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार का बहुत आभारी हूं कि अगले 5 वर्षों का विजन जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने जो दिया है वह बिहार के विकास के लिए बहुत ही बड़ा कदम साबित होगा। और जिस तरह से सभी जो हम लोगों ने बातें कही थी, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो, वीआईपी हो, हम हो, सभी के ने जो जनता से वादा किया था उसके लिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी को और बिहार सरकार को आभार व्यक्त करता हूं कि सभी को समाहित करके अगले 5 वर्षों का इतना बढ़िया विजन डॉक्यूमेंट बिहार के लिए लाया गया है। और यह प्रैक्टिकल है और यह संभव है और इसको अचीव करके बिहार एक बहुत बड़ी छलांग लगाएगा, ऐसा मुझको पूरा विश्वास है। कैबिनेट एक्सपेंशन पर सीएम ने कहा है कि भाजपा की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, अभी तक आएगा तो विचार। पार्टी की अपनी एक तरीका है काम करने का, हम सब बैठ करके उसको तय कर लेंगे और शीघ्र ही इसकी सूचना आप सबों को मिल जाएगी। बिहार चुनाव हो गया, बंगाल में भी चुनाव है, कैसी तैयारी भाजपा की है? ममता जी तो हावी है भाजपा में, बोलते हैं कि आप लोग बाहरी हैं। बंगाल में जो परिस्थितियां हैं वह केवल और केवल इमरजेंसी के समय की याद दिलाती हैं। जिस तरह से इमरजेंसी में विरोधी दलों का दमन होता था, उसी प्रकार का दमन बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है और करवा रही है। पुलिस लोगों को पकड़ती है, पीटती है, जेल में बंद करती है, झूठे मुकदमे करती है। पर जिस तरह से इंदिरा गांधी इमरजेंसी के समय के बाद उसके दुष्परिणाम के चलते पूरे भारतवर्ष से खत्म हो गई थी, उसी प्रकार ममता बनर्जी का इस चुनाव में वही हश्र होने जा रहा है। आपकी पार्टी का ओबीसी से गठबंधन है, ये आरोप लगा रही है। अगर आप बिहार का ही चुनाव लें तो 2010 में जब भाजपा और जदयू इकट्ठे लड़ी थी तो हम सीमांचल में 33 सीटें जीते थे और इस बार हम 30 सीटें जीते हैं। हमारी तीन सीटें घट गई हैं। हमारा जो विकास का कार्य है वह हम लगातार कर रहे हैं और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनने जा रही है और बंगाल विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। वह चाहती हैं कि बंगाल कम्युनिस्ट शासन के जैसा रहे और बंगाल चाहता है कि वह गुजरात की तरह एक विकास पसंद राज्य रहे और अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। संजय जी, तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सीधे सुबह हमला किया बीजेपी नेताओं पर। अक्सर पहले जहां पे वो ट्वीट करें, कृपया अगर वहां से बाहर आएं, बिहार में आएं, बिहार में रहें। केवल चुनाव में जो सीजन में आते हैं और सीजन में चले जाते हैं और उसके बाद वो ट्वीट के भरोसे चलते हैं, कृपया अगर उनको बिहार में आके बिहार की परिस्थितियां देखनी चाहिए, बिहार के क्षेत्रों में भी घूमना चाहिए। केवल चुनाव में हेलीकॉप्टर से उतरना और हेलीकॉप्टर से बाहर जाना एक राज्य के लिए अच्छा विपक्ष होना भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं वो ट्विटर में और दिल्ली में ज़्यादा रहने में यकीन करते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। नॉर्मा परिवार।